इसी तरह जो है पांचवा उसका है कि दावत दे, दावत दे तो उसको कबूल करे। अगर कोई शरी उज्र नहीं है तो उसको कबूल करना चाहिए, शरी उज्र नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी दावत नहीं दी उसने, तो फिर उसका इनकार ना करे, उस दावत को वो कबूल करे। जो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, ऐसी दावत हो, गैरुल्लाह के नाम का अगर हम खाना खिला रहे, कोई बिदअती रस्म व रिवाज का खाना खिला रहा है, तो उस पर वो उसको जो है वो उसके अंदर मना कर सकता है। लेकिन यह है कि वो अगर आम दावत है तो उसका इनकार ना करें। दावत के उसूल भी बताए गए हैं कि दावत कौन सी दावत हमारे लिए सूटेबल है, तो उसके उसूल उलमा ने बताए, उसके जो बताए कि तीन चीज़ें आपको उस पर देखना है खाने के ऊपर, तो वो आपके लिए खाना जायज़ हो जाता है। पहला कि जो खाना जो खिलाया जा रहा है वो खुद से हलाल होना, यानी खुद की जात से, ऐसी इजाज़त नहीं होना जो मना की गई हो। तो शरीयत ने मना किया कि वो जो खाना है वो खाना जो हराम नहीं होना, या हराम जानवर का नहीं होना, ऐसे वो उसमें आप उसको देखेंगे वो हलाल हो। दूसरा, जिस माल से वो खिला रहा हो उसकी कमाई भी देखेंगे, उसको किस ये काम क्या करता है, इसका जो माल है ये सही है कि नहीं, और ये माल अगर उसका हलाल है तो फिर आप वो खाना खा सकते हैं। दो, तीसरा ये कि उसकी निस्बत क्या है खाने की, खिलाने की, किस वजह से खाना खिलाया है, तो निस्बत तीनों चेक करें आप, तीनों चीज़ अगर उसमें सही बैठती है तो खाना आपके लिए हलाल होता है, ये उसूल उलमा ने बताएं। तो ये तीनों चीज़ चेक करें, उसके बाद उसकी दावत को करो, दावत फिर आप उसको कबूल भी करें और जाएं भी। और इसके अंदर जो है अगर दो दावत या दावत ऐसी आ जाए, दो दावत आए, तो पहली दावत जो आई है उसको आपको कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे पहली तो थोड़ी आदमी ऐसा ही था, यहाँ चलो बफेट या अच्छे पकवान मिलेंगे और ये क्या खिला देगा यार, तो वहाँ जाए, ऐसा नहीं। पहली दावत उसूल ये है कि पहली दावत आपने कबूल कर ली तो पहले आपको जा सकते हैं, दोनों जगह जाए, वहाँ पर भी जाए मुख्तसर खा के, फिर उसके वहाँ भी जा सकते हैं, वो आपका मसला। लेकिन ये है कि कबूल करे दावत को और दावत दे। और दावत तो मामला ये हो है कि शादियों की दावत, ये तो खैर शरी है अगर कुछ शादी की दावत देता है, लेकिन ये इसके लिए तो ध्यान रखने की आज ज़रूरत है कि आज बिल्कुल वो हो गया है कि बेचारे गरीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना हदीस के अंदर के जो ऐसा वलीमा के ताल्लुक से फरमाया कि ऐसा वलीमा बेकार वलीमा है, हदीस के अंदर गरीबों को दावत नहीं दी जाए। और आज तो गरीबों को दावत दी नहीं जाती, भले रिश्तेदार भी हो गरीब है तो भी उसको बहुत इसरार भी नहीं किया जाता, और उसके साथ किसी के साथ में उसके रुकिया भिजवा दिया जाता है, कार्ड भिजवा दिया जाता है, आए तो आए तो नहीं तो कोई बात नहीं, गरीबों को बुलाई नहीं, या गरीब आते भी हैं तो उनको बेचारे को बैठा के रखते हैं, रोको अभी अभी इनको तो खाने दो, जो पैसे वाले भूखे ये तो खा लें, उसके बाद फिर तुम्हारा नंबर आएगा, और उनको बैठा कर रखते हैं, फिर बचा कुचा होगा तो फिर देंगे, आखिरी में बचेगा तो ठीक है। वो बेचारे रात तक ठंड है तो ठिठुर रहे हैं बाहर बैठे बैठे, उनके बच्चे भी लग रहे हैं, तो उनको नहीं दिया, तो गरीबों को नहीं देते और उसको दिया जाता है। तो दावत में इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और ये है कि इसको कबूल करें, क्योंकि दावत और दावत ऐसा नहीं है कि आदमी इसके अंदर बेला वजह की फॉर्मेलिटीज़ करे, नहीं तो ये भी आजकल बड़ी फॉर्मेलिटी वाला काम है। क्योंकि एक रिवायत एक हमको मिलता है हजरत हसन, उनका ये हमको मिलता है कि वो एक बार वो घोड़े से जा रहे थे और कुछ लोग मजदूर लोग बैठे थे और नीचे वो खाना खा रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था बिछाने को, ना कपड़ा ना रखा भी, प्लेट कुछ नहीं थी, वो नीचे ही रख कर खा रहे थे, ना पेपर भी नहीं था कुछ, तो वो नीचे ही रख कर खा रहे थे, तो उनको उन्होंने दावत दी कि आइए हमारे साथ में खाना खाइए, तो वो उसी वक्त उतर गए और उतर कर उनके साथ में नीचे ही बैठकर खाने लगे, जबकि वो ज़मीन पर रोटियां पड़ी हुई थी। दूसरे उन्होंने कहा कि अब आपकी शान को लायक नहीं कि आप इस तरह से बैठकर और इनके साथ नीचे बैठकर खाएं, तो कहा कि नहीं, क्योंकि किसी ने दावत दी तो उसका इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। तो ये कि रास्ते में दावत दी बैठ गए, वो कौन है, वो अल्लाह के रसूल वसल्लम के नवाज़ है, तो जब वो बैठ रहे हैं तो फिर हमारे पास में क्या फॉर्मेलिटी कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि अब हो सकता है बेचारा आदमी कोई भूल जाए, तो हमको पहले से क्यों नहीं बताया, जमाने में कार्ड वार्ड दिए और आज खाना है शाम को और तुम दोपहर में फ़ोन कर रहे हो कि खाना खाने आ जाना, हम क्या भूखे नंगे हमारे घर से, अरे भाई भूल गया होगा, गलती हो गई उससे। तो जब दावत दे रहा है ना तो हक में से तो है कि मुसलमान ने आपको दावत दी तो कबूल करना है, चाहे उसी वक्त भी जब खाते खाते भी उसको याद आ गया कि अरे यार उनको तो भूल ही गया दिख नहीं रहे, तो उसी के वक्त फ़ोन लगाया तो आपको कबूल करना है, ये बिला वजह की फॉर्मेलिटी। कार्ड वार्ड तो हमने बना लिए, नहीं तो ऐसे कि कार्ड वार्ड कुछ था ही नहीं पहले, तो ये तो जुबान से कह देना काफ़ी है, और जिस वक्त कह दे तो उसको, तो ये रस्में जो है ये रस्में तो हमारी दुनिया भी बनाई हुई है कि इसके लिए अलग अलग, पहले तो एक उसको पहले भेजा जाएगा एक महीने पहले मनुहार पाती, अरे रोज मिल रहा है तुम्हारा कहे कि मनुहार करना, रोज़ तो मिल रहा हो, फिर भी उसको भी देंगे मनुहार, इसको भी देना है, और नहीं दे तो बुरा मानता हो,
अरे मनुवार पाती उनको भी दे तो समझ में आता है कि जो आदमी 2 साल से नहीं मिला तो अरे यार 2 साल से मुलाकात नहीं, तो पहले उनको वो भेज दे ताकि कि हमारे यहाँ शादी वादी है तो कुछ गिले सिक्के दूर कर लो ताकि शादी में हम बुलाए तो आ जाए, और रोज मिल रहा तो उसको नहीं दे तो वो ना आ रहा, वहाँ इतनी दूर तो उन्हें भेज दी और हमको नहीं दे रहा, यहाँ पर नहीं बुला रहा, जरूरत ही नहीं है। ये सब बीजा बिला वजह की फॉर्मेलिटी हमने बना ली, कार्ड नहीं दिया तो आदमी नहीं आ रहा है, मुंह से कह दिया इतना काफी, कार्ड वगैरह ये सारी चीजें, तो ये हक में से बुलाए तो उसकी दावत को कबूल करे, बिना अगर कोई शरी उज्र नहीं है तो उसके वो खाने को खाने जाना चाहिए।